तो वेलकम टू द गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं नई ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम के साथ। और आज हम कर रहे हैं Porusplay Underdog लाइव स्ट्रीम और सीज़न वन क्वालिफाई राउंड चल रहा है दोस्तों। और हम आ चुके हैं यहाँ पर, एक विकेंडी मैच है आज। और आज हम बता देंगे आपको कौन सी टीम आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेक की टीम आ चुकी है यहाँ पे, पूरी डेट की टीम से यहाँ पे, फायर की टीम से यहाँ पे, टीजीजी वाली दोस्तों, और यहाँ पे जीएस की टीम है यहाँ पे, टीजीजी की टीम से यहाँ पे, और टीएस की टीम भी आई थिंक होनी चाहिए। मैंने देखा तो था टीएस नहीं है सर, कोई नहीं। तो देख लेते प्लेन पाथ कहाँ से जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज प्लेन पाथ हम देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेवनवॉक से होके यहाँ पे वोल नवा होके और जा रहा है विनेरी की तरफ, और हॉट ड्रॉप में विला है आज, और टॉवर है, और डिनो पार्क में भी आई थिंक प्लेयर्स उतने ही जाएंगे। और सेंट्रा में देखते हैं कौन सी टीम कहाँ जाएगी, गन फाइट कहाँ पे होगी, हम वही कवर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो चार टीम अभी तक उतर चुकी है, और फिफ्थ टीम भी उतर चुकी है यहाँ पे। और दोस्तों कुल 14 टीम्स आई हैं यहाँ पे, और टोटल प्लेयर्स है 50। और आप देख सकते हो आयुष का प्लेन है आज, टीजीजी आयुष नूप उनका प्लेन जा रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। और सभी टीम आई थिंक तो उतर चुकी होगी। और दोस्तों फेक की टीम अभी भी प्लेन में ही है, और अब वो भी उतर चुके हैं, सही है। तो दोस्तों देखेंगे हम फाइट कहाँ पर होगी, पहले आई थिंक सेंट्रा में फाइट होनी चाहिए, और पोर्ट की तरफ भी जा रही है दो टीम, फाइट दोनों तरफ होगी। पोर्ट की तरफ चलते हैं हम, टीजीजी एरेश उनको आई थिंक अभी लूट कर रहे हैं, और टीम नंबर 7 TER इंसन राजपूत, सही है, वो कहाँ जा रहे हैं उनको देख लेते हैं, अभी भी लैंड हो रहा है। पोर्ट में उतरे हैं एकदम, और देख सकते हो यहाँ पे जेबवा में यहाँ पे टीम 15 और टीम 7 पोर्ट की तरफ है, सही है। यहाँ पे अभी दूर दूर तक गन फाइट तो होने वाली नहीं है। टीम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, टीम नंबर 2 TMNT की टीम है यहाँ पे, और क्या लगता है यहाँ पे टीम नंबर आई थिंक कौन सी टीम आई है, टीम नंबर 19 भी यहाँ पे आ चुकी है, लॉर्ड डिक्स पिस्टल, और इनके पास शॉर्ट गन आई है। फाइट कहाँ पर होगी, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी एक बार, यहाँ पे थे DX समीर UMP 15-5, इनके पास आ चुकी है Level 3 हेलमेट भी आ गई है भाई, सही है, AKM मिल चुकी है उनको। और टीम नंबर 1 और टीम नंबर 11 दोनों के बीच में फाइट होगी, क्योंकि बहुत ही नज़दीक में है। मैं आपको दिखा दूँ टीम नंबर 1 कहाँ है और टीम नंबर 11 देख सकते हो, और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है। DX रिसियो OP यहाँ पे 1 HP बचे, 10 HP है, सॉरी 1 HP नहीं है, हीलिंग करेंगे, इनके पास हिल भी नहीं है अभी तो फिलहाल, बैंडेक्स है खाली। यहाँ पे ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे DX निक ग्रेनेड किया, अपन
कोई नॉक नहीं हुआ अभी तो लगता हूँ। फेक की टीम को देख लेते हैं, यहाँ पे उजी है इनके पास, तो भाई स्प्रे की ओपी यहाँ पे उजी के साथ शॉटगन और उजी। उनके प्लेयर्स के पास क्या है, स्कोल के पास देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी लूट हो चुकी है अब तो, मुझे ऐसा लग रहा है। फेक की टीम के पास अच्छी लूट है यार, एके एम इनके पास भी देख सकते हो, एनसीटी के पास और काने की, फेक काने की। ये कहाँ कर रहे हो भाई, काने के पास चलते हैं हम। काने के पास भी यहाँ पे देख सकते हो उजी और M16A स्मोक कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी लगता है मुझे रस करना चाहते हैं तो नहीं है, अभी रस नहीं करेंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। साथ ही मुझे लगता है रिक्स ओपी यहाँ पे, ऋषि ओपी यहाँ पे स्पॉट हो चुके थे और कुछ पेड़ भी आए। और यहाँ पे देख सकते हो M4 आ चुकी है अभी इनके पास। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा यहाँ पे गन फाइट, जीते कोई भी हमें तो सिर्फ मज़ा मिलना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो भी इस स्ट्रीम पे नए आए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको स्ट्रीम कैसी लग रही है। हाँ थोड़ी क्वालिटी लो हो सकती है पर मज़ा उतना ही होगा जितनी क्वालिटी आपको लो लग रही है, मज़ा बहुत है मैच में। और देखना है दोस्तों लास्ट में कितनी जहर भसड़ मचेगी इस मैच में। और दोस्तों यहाँ पे अभी तक फाइट होने की कोई चांस लग नहीं रही क्योंकि सब पोजीशन होल्ड करके रखे, सब टीपी पे ले रहे अपने अपने जगह पर। फेक काने की यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक इन्हें चांस हो, यहाँ पे जहर यहाँ पे फेक स्प्रिक्टिक्स ने यहाँ पे निक को नॉक किया है भाई, जहर यहाँ पे। और AKM में 3x और दोस्तों यहाँ पे फेक स्कोल भी नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे जीव शॉपी ने यहाँ पे उनको नॉक किया है। सही है कहीं पे नॉक हुए यहाँ पे, हम ये फाइट नहीं छोड़ सकते। और निक को यहाँ पे रिवाइंड मिल चुका है, इनके पास फर्स्ट एड नहीं है, बेंडेक्स है सिर्फ। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे TGRS ने यहाँ पे टेरेक्स ने यहाँ पे TR की टीम्स को यहाँ पे फिनिश किया शायद, आई थिंक मुझे ऐसा लगा, नाम मैंने पढ़ा नहीं। पर हम दोस्तों फाइट मिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फाइट हो रही है और फाइट नहीं छोड़ सकते हम। देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 11, दो प्लेयर्स उनके नीचे है और दो प्लेयर्स ऊपर है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक प्रिटिस को यहाँ पे अभी रस नहीं करना चाहिए क्योंकि अकेले रस करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मॉली करने की कोशिश कर रहे हैं पर मॉली के अंदर कोई नहीं आएगा, समीर पीछे जा चुके हैं और एक और मॉली करते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है समीर को यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज मिलना चाहिए इससे। जी नहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ डैमेज नहीं मिला यहाँ पर समीर को। मैं आपको बता दूं फाइट कहाँ हो रही है, फाइट तो फिलहाल कहीं हो नहीं रही है। यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया है, क्या लगता है, ओ भाई बच गए, अरे यार 10 HP बचे, समीर अपने ही नेट से यहाँ पे नॉक हो सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेनेड का ग्लिच होता हुआ, आई थिंक कुछ ज़्यादा कुक कर लिया था इन्होंने, कोई नहीं ये तो नॉर्मल है होता रहता है। यहाँ पर समीर अपने आप को हील करेगा अब, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हीलिंग की बहुत ही मारा मारी चल रही है, यहाँ पे हीलिंग बहुत कम है सबके पास और डैमेज पे डैमेज हो जा रहे हैं। यहाँ पे फेक के वन प्लेयर्स यहाँ पे देख सकते हो अभी भी TPP ले रहे हो, जो वो ग्रेनेड अगर सही कुक होता और तो मेरा मानना है कि ये फ्रिक की ओपी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो सकते थे। कोई नहीं, समीर भी यहाँ पे देख सकते हो TPP ले रहे हैं, उनको पता है कि वन प्लेयर्स यहाँ पे है और एक और ग्रेनेड कुक कर रहे हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ग्रेनेड का ग्लिच होते हैं और यहाँ पे भाई 50% यहाँ पे फेक की टीम के वन प्लेयर्स की यहाँ पे देख सकते हो हेल्थ जा चुकी है और इन्होंने हीलिंग भी कर ली। सही है दोस्तों, क्या लगता है
यहाँ पे बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हैं दोनों टीम्स, अभी तो कोई रश कर नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि निक और समीर को दोनों एक साथ रश करते हैं यहाँ पे, तो प्रिकी ओप यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो सकते हैं। और यहाँ पे फेक की टीम के पास अभी थ्री प्लेयर्स ही है, 3-on-4 की सिचुएशन हो चुकी है। अब समीर ने यहाँ पे मुझे लगा ही था, जो डर था वही हुआ दोस्तों, स्प्रिक की ओप पे यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होते हुए यहाँ पे समीर की तरफ से। बहुत ही अच्छा खेलते हो समीर यहाँ पे अपनी टीम के लिए। समीर के यहाँ पे 1 kill हो चुका है, जियो सोपी भी यहाँ पे 1 kill के साथ है। और दोस्तों जो भी ये अभी हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहा है, अभी जो भी हो बाद में कोई भी देखेगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब 2v4 की सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पर टीम नंबर 1 फेक की टीम अभी क्या लगता है। और यहाँ पे एनएक्सटी के लिए यहाँ पे मोली हो चुकी है, और यहाँ पे क्या लगता है यहाँ पे क्लच कर सकेंगे फेक की टीम उनके। यहाँ देख सकते हो ग्रेनेट और यहाँ पे और मोली की बौछार होती हुई। मुझे तो लगता है कि कुछ तो कर सकते हैं फेक की टीम, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी फेक की टीम। देख सकते हो फेक की टीम पूरी तरीके से यहाँ पे और एक मोली करते हुए अपने आप को भी डैमेज कर लिया है यहाँ पे, गलत सीन हो गया यहाँ पे, अपने आप को भी डैमेज कर रहे हैं। और अब रस आ सकता है यहाँ पे DX की टीम की तरफ से, और यहाँ पे एक ग्रेनेड भी कुक कर रहे हैं काने की, यहाँ पे ग्रेनेड कर रहे हैं, सॉरी ग्रेनेड नहीं था स्मोक था, और स्मोक में यहाँ पे बचने की कोशिश। क्या है टीम रश क्यों नहीं कर रही, नीचे ही है अभी तो। निक चाहते तो है रश करना पर रश नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे मौके की तलाश करते हो यहाँ पे। देख सकते हो निक, मुझे तो ऐसा लग रहा है DS की टीम अभी तो यहाँ फेक की टीम पे यहाँ पे पूरी तरीके से हावी होती हुई। और यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे नॉक हुए थे, 1+ नॉक हुए, फाइट चल रही कहीं पे। यहाँ पे जो देख सकते हो अभी तो लंबी फाइट तो यही चल रही है, हम बाहर से नज़ारा देख लेते एक बार क्या सीन है यहाँ पे। टीम DX के जियो सकती, और यहाँ पे H4Z ने यहाँ पे TG सीरीवो को भी यहाँ पे नॉक किया था, और लिवो ने यहाँ पे रे ने यहाँ पे TG एरिक्स को यहाँ पे फिनिश कर दिया शायद कोई नहीं। यहाँ पे रे यहाँ पे मोली से नॉक होते हुए, अपने आप की मोली से, इंसेंट राजपूत भी यहाँ पे मोली से नॉक होते हुए H4K की तरफ से, H4 की टीम की तरफ से। और रे यहाँ पे फिनिश होते हुए, TG हंटर ने यहाँ पे जेड को फिनिश किया है, बहुत सही। कहीं से पोजीशन ढूंढ तो रहे जाने के अंदर, क्या लगता है बहुत ही देखने जाते DX की टीम यहाँ पे बहुत ही सही यहाँ से अंदर जाएगी और कुछ तो हो सकता है दोस्तों। फेक की टीम को भी पता नहीं है कि टीम यहाँ से भी आ सकती है, और यहाँ पे मोली होते हुए, ये क्या मोली हो रही है भाई दोस्तों। 2 मिनट हम यहाँ पे फाइट होती हुई, यहाँ पे काने की नॉक होते हुए यहाँ पे समीर ने यहाँ पे इनको नॉक किया है, और यहाँ पे फेक की पूरी टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई दोस्तों। 2 मिनट यहाँ जरा,
दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आवाज़ कुछ देर के लिए बंद कर ली तो मैच में आ जाते हैं। यहाँ पे जितने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी फिनिश कर दी एक टीम अभी, और यहाँ पे मोली से ऑल भी यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज होते हुए, और देखिए कि हम बाहर से क्या हाल चाल है। यहाँ पे टीम नंबर 19 और टीम नंबर 6 यहाँ पे आपस में भिड़ती हुई, जीएस फ्लोल के यहाँ पे कत्ते यहाँ पे देख सकते हो बाइजन का स्प्रे मारते हुए, और यहाँ पे जीएस की पूरी टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई। डीएल की टीम यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेली, टीम नंबर 19 यहाँ पर बहुत अच्छा खेलती हुई, डीएल कैरल्टी के वन किल यहाँ पे करल्ट, और यहाँ पे देख सकते हो पूरी टीम के यहाँ पे 4 किल्स है अभी तो, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेविल जेड उनका भी 1 किल है, बहुत ही सही। यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 30 यहाँ पर आ चुकी है, और उन्होंने अभी ठाकुर ने यहाँ पर अभी DLV को यहाँ पे नॉक किया है और स्मोक कर रहे हैं यहाँ पे DL की टीम अपनी तरफ से। और क्या लगता है दोस्तों, टीम नंबर 13 यहाँ पे कत्ते जहर यहाँ पे देख सकते हो, मिस्टर जीत ने यहाँ पे मस्त अच्छा सा ग्रेनेड करते हुए, और यहाँ पे पूरी टीम आ चुकी है और रश करते हुए यहाँ पे ठाकुर भी आ चुके हैं कल लेके। यहाँ पे देख तो कैसे थर्ड पार्टी करी यहाँ पे अभी तो देख सकते हो, मिस्टर जीत यहाँ पे नॉक होते हुए, यहाँ पे डीएल के गलत यहाँ पे गरल यहाँ पे देख सकते हो गरल्ट नॉक हो चुके हैं। ठाकुर यहाँ पे अच्छा सा स्प्रे मार रहे हैं, यहाँ पे M4 इनके हाथ में AKM M4, और यहाँ पे NF बॉस ने यहाँ पे डीएल गरल्ट को यहाँ पे फिनिश करते हुए यहाँ पे ग्रेनेड कुक करते हुए। दोस्तों क्या लगता है ग्रेनेड कितना काम आएगा, अकेले बच्चे क्या लगता है 1v4 कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, 4 किल्स ले पाएंगे इनके भी डेविल जेड, और यहाँ पे मोली करते हुए यहाँ पे, और शायद मोली में आपको पूरे फिनिश हो सकते हैं, और अभी तो बच गए यहाँ पे, हिल करनी चाहिए इनको, और हिल लगाते हुए यहाँ पे और यहाँ पे पुश आता हुआ, पूरी टीम यहाँ पे पुश कर रही है, बहुत ही सही खेलता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या ही नॉक किया है डेविल जेड ने, यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर जीत को, और यहाँ पे 1 HP और यहाँ पे फिनिश होते हो, ठाकुर ने इनको फिनिश कर दिया, पूरी टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई। तो दोस्तों हम चलते हैं ओवरलॉल की तरफ, और क्या सिचुएशन है अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप आता हुआ, टीम नंबर 3 ने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है ग्रीडी अक्काई डेट की टीम से, यहाँ पे डेट एंड की टीम्स आई थिंक डेट मिल की टीम से पूरी, हाँ जी दोस्तों ग्रीडी अकाई उनके प्लेयर से, और देख सो टीम नंबर 14 वो भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है, और हम देखेंगे ड्रॉप के अंदर क्या है, MK और M249 बहुत ही प्यारी गन्स आती हुई यहाँ पे। दोस्तों देखेंगे हम टीम नंबर 14 कहाँ पे है, ज़्यादा दूर तो नहीं है उनसे, उनके पास ही, और सभी टीम सभी देख सकते हो जोन की तरफ मूव करती हुई, सभी टीम सभी जोन की तरफ आ चुकी है, और जोन यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटा होता है, यहाँ पे विहार की तरफ जोन बन रहा है। और दोस्तों मैच अभी तक तो बहुत ही बढ़िया मैच जाते हुए यहाँ पे टीम नंबर 15 भी है इनके सामने, और टीम नंबर 12 दोनों यहाँ पे आ चुकी है अभी तो, यहाँ पे देख सकते टीम नंबर 12 BFA की टीम्स यहाँ पे 1v4 खेल रहे हैं। दोस्तों देखते एक न्यू ड्रॉप आता हुआ, देखिए कि ड्रॉप कहाँ जाएगा, जोन तो बहुत ही छोटा होता हुआ अभी तो। डेटोल की टीम को देख लेते हैं, यहाँ पे लेवल 3 की लूट है इनके पास, पूरी टीम के पास M24 है इनके पास, और ऑक
डेड ट्रिगर के पास और क्या दिखता है डेड नोलिक के पास, क्या है एमके M4 और इनके टीममेट के पास देख लेता, काई के पास क्या है M249 इनके पास, और डेट डेट एंड बाबा के पास अभी लेवल 3 लूट तो है पर इनके पास गन नहीं है, ड्रॉप गन नहीं है इनके पास कोई, M4 थी और शायद AKM थी, कोई नहीं। जॉन और छोटा होता है यहाँ पे देख सकते हो, अभी तो थोड़ा सा डिनो पार्क कवर करता और मोलोट्रोवा और विहार दोनों ही यहाँ पे देख सकते हो, बीचों बीच बन रहा है जॉन, और सभी टीम अभी जॉन की तरफ आ चुकी है, टीम नंबर 6 नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो रिस्की ओपी ने यहाँ पे गेस्टर को यहाँ पे नॉक किया है, बहुत ही सही। यहाँ पे दोनों टीम्स की यहाँ पे भिड़त होती हुई यहाँ पे बहुत ही सही। अक्काई ने यहाँ पे अल्फा ओपी को नॉक एंड फिनिश करते हो, ग्रेडी अक्काई यहाँ पे देख सकते हो अभी नॉक हो चुके हैं। दोस्तों हमारी थोड़ी पिन हाइटी होती हुई यहाँ पे, दोस्तों माफ करना। डेटनोलिक ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है अल्फा को, ग्रेडी अकाई भी यहाँ पे फिनिश होते हुए, दोनों ही ने अपने अपने 1-1 प्लेयर्स यहाँ पे लूज कर दिए हैं। और यहाँ पे 2v3 की सिचुएशन आती हुई, और डेड पुल देख सकते हैं यहाँ पे AKM का स्प्रे मार रहा है, अपन कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों बहुत ही खतरनाक यहाँ पे फाइट होती हुई, यहाँ पे रश कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो डेड पुल यहाँ पे नॉक होते हुए AKM से, डेड नोलिक ने उनको फिनिश करेंगे आई थिंक, हाँ जी हाँ, और डेड पुल यहाँ पे फिनिश होते हुए डेड नोलिक की तरफ से। और अभी टीम नंबर 14 के 1 प्लेयर्स बचे हैं, जेनॉन, और मुझे लगता है 1v3 कर पाएंगे शायद। और यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करेंगे शायद, मुझे ऐसा लगा, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे डेट नोलिक नॉक एंड फिनिश होते हुए जेनॉन की तरफ से, अकेले इनको रश नहीं करना चाहिए था अभी तो, यही सिचुएशन आती है। और एक मोली कर रहा है अपने आप को सेफ्टी करने के लिए, यहाँ पे 1v2 कर पाएंगे क्या लगता है जेनॉन। और यहाँ पे डेड बाबा यहाँ पे नॉक हो चुके भाई, बहुत ही सही खेल रहे हैं, और यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं डेड बाबा को ग्लिच के लिए, वो अंदर चले गए। और यहाँ पे 1v3 करते हुए भाई जहर, यहाँ पे जेनॉन ने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा 1v3 करते हुए, हमने क्या फाइट देखी है, ताली बजाना चाहेंगे हम जेनॉन के तौर लिए, टीम नंबर 14 के प्लस बहुत ही अच्छा खेलते हैं यहाँ पे। टीम नंबर 15 भी उनके बहुत ही क्लोज में है, यहाँ पे देख सकते हो अभी TG की टीम से, यहाँ पे ठाकुर ने अभी यहाँ पे नॉक किया है, हम ठाकुर के पास चलते हैं। ठाकुर ने यहाँ पे देख सकते हो TMNT के 1 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक किया है, और यहाँ पे फ्लेयर गन चलती हुई, लास्ट के सर्कल में यहाँ पे फ्लेयर गन कौन चलाता है भाई, देख सकते हो मॉर्फ्यूस को यहाँ पे नॉक किया था इन्होंने। टीम नंबर 2 को यहाँ पे रिवाइन देने आ रहे हैं अपने प्लेयर्स, सही है रिवाइन मिल जाएगा इनको यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं टीम नंबर 13 के पास, जीत। टीम नंबर 11 पूरी यहाँ पे आ चुकी है, और देख सकते हो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या टच करके निकली है अभी तो, NF बॉस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 13 के, NF बॉस यहाँ पे देख सकते हो नॉक है, उनको रिवाइन मिलता हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर, आई थिंक टीम नंबर 14, हाँ जेनॉन उनको स्प्रे मार रहे थे, वो बहुत ही प्यारा खेल है अभी तो जेनॉन, देख सकते हो 5 किल्स है पूरी टीम के, 6 किल्स है। हम DX की टीम की तरफ चलते हैं, जिन्होंने गन फाइट में इन्होंने जीत के आए थे। ठाकुर वापस से नॉक होते हुए यहाँ पे बदला ले लिया है, यहाँ पे ठाकुर को यहाँ पे फाइनली उन्होंने भी नॉक कर दिया है, फाइट बैक लेते हुए यहाँ पे। टीम नंबर 2 ज़्यादातर देख रहे चलो तो अभी तक सबके 4 प्लस तो होने ही चाहिए थे, यहाँ पे पूरी फोर्स स्क्वाड है यहाँ पे, देख सकते हो टीम नंबर 2 को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, टीम नंबर 15 को पूरी टीम्स को भी इन्होंने, TMNT की टीम्स ने यहाँ पे।
टीजी की टीम्स के पास चलते हैं हम एक बार। लोईवी के पास AKM-66 चला रहे और यहाँ पे देख सकते हो अनुवीर ने यहाँ पे LMT के वन प्लस को नॉक किया था। अनुवीर बहुत ही अच्छा खेलते हैं यहाँ पे, टीम नंबर 13 यहाँ पे देख सकते हो अभी 6 किल्स है उनकी पूरी टीम के। और यहाँ पे टीम नंबर 2 के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली क्योंकि काशिम यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ईएल काशिम उनको रिवाइन मिलता हुआ और हीलिंग कर रहा है अपने आप को। टीम नंबर 13 यहाँ पे देख सकते हो NF की टीम यहाँ पे पूरी तरीके से हावी होती हुई यहाँ पे टीम नंबर 2 पे बहुत ही अच्छा खेलती हुई अभी टीम, सभी टीम सब बहुत ही बढ़िया खेलती हुई टॉप टीम से यहाँ पे आ चुकी है। 6 टीम सभी भी अलाइव है और पूरे 18 प्लेयर्स हैं देख सकते हो अभी इतनी टीम सभी है भी यहाँ पे। और यहाँ पे टीम नंबर 2 पूरी यहाँ पे देख सकते हो पूरा लेफ्ट से जाते हुए यहाँ पे टीम नंबर 15 भी वहाँ पे है और टीम नंबर 13 दोनों उन पर स्प्रे मार रहे थे और हमारा थोड़ा पिन यहाँ पे हाई होता हुआ दोस्तों थोड़े ना लेना। इगर स्ट्रेंजर ने यहाँ पे देख सकते हो फिस्क्यू को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेलते टीजी की टीम से यहाँ पे हमें वहाँ पे चलना चाहिए एक बार। फिनम को यहाँ पे देख सकते हो नॉक कर दिया था अभी, क्या लगता है रिवाइन मिलेगा इनको यहाँ पे? मुझे तो लगता है मिल सकता है। हंटर ने यहाँ पे निक को नॉक किया है भाई जहर यहाँ पे हंटर के पास चलते हैं हम, सॉरी निक के पास आ चुके हैं। निक को यहाँ पे रिवाइन मिलता हुआ हंटर कहाँ है हंटर ये रहे टीजी हंटर अब देखते हो 6 टीम और 16 प्लेयर्स तो छोटे से जोन में यहाँ पे देखो जोन तो बहुत खुले में आता हुआ टीजी की टीम से यहाँ पे देख सकते हो अच्छी पोजीशन होल्ड करके रखी है और यहाँ पे एक्सपोज होते हुए सभी टीम्स यहाँ पे सभी टीम सभी इगर स्ट्रेंजर यहाँ पे देख सकते हो स्प्रे मार रहे हैं जी 36 का और यहाँ पे निक ने उनको स्ट्रेंजर को नॉक कराया है भाई फिनिश होते होते बच्चे बहुत ही बार नॉक हो चुके हैं यहाँ पे स्ट्रेंजर्स अभी तो स्ट्रेंजर को वापस से रिवाइन मिलता हुआ। और वहाँ पे देख सकते हो जिनक्स यहाँ पे जीत को नॉक कर दिया है भाई क्या ही कर रहे हैं यार। और यहाँ पे ओ भाई साहब क्या खेल रहे हैं यार कसम से यहाँ पे जिनम ने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे देखा दो को नॉक कर दिए थे यार। NF की टीम यहाँ पे देख सकते हो रिवाइन कर रही है ठाकुर को रिवाइन मिल रहा है बॉस को भी रिवाइन मिल जाएगा और यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आ चुकी है आई थिंक हाँ जी हाँ DX समीर ने यहाँ पे TGG को यहाँ पे प्लेयर्स को नॉक कराया और यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पार्टी हो सकती है सिरो यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होते हुए जियो सोपी की तरफ से एकदम प्यारी सी थर्ड पार्टी होते हुए यहाँ पे समीर ने यहाँ पे देख सकते हो काशिम को नॉक करा और फिनिश करते हुए काशिम को समीर ने यहाँ पे ट्रिक्स को भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करा भाई जहर यहाँ पे समीर ने 2 किल्स अभी 2 किल्स निकाले और क्या लगता है अब 4 टीम बची है यहाँ पे और हमारा पिन यहाँ पे थोड़ा सा हाई होते हुए और आपस से दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ हमारा थोड़ा पिन हाई होते हुए यहाँ पे कई मूवमेंट ही नहीं ले पा रहा मैं। ओ आखिरकार मैं आ गया समीर के पास समीर के 4 किल्स हो चुके हैं यहाँ पे डेक्स रिस्की यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होते हो टीजी की टीम्स की तरफ से दोस्तों माफ़ करना मैं कहीं भी मूवमेंट नहीं ले पा रहा कोई भी प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पे जियो शॉपी ने यहाँ पे अननॉल प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक किया है इगर अननॉल्स को बहुत ही सही यहाँ पे देख सकते हो अभी 4 टीम बची यहाँ पे टीम नंबर 11 3 प्लेयर्स हैं उनके और टीम नंबर 13 उनके भी 3 प्लेयर्स हैं और ईगल की टीम्स के 2 प्लेयर्स हैं। समीर ने यहाँ पे NF बॉस को ग्रेनेड से नॉक किया भाई सही खेल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी पिन हमारी अभी भी आप सही होती हो यहाँ पे। और दोस्तों ठाकुर यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे एनुवीर ने यहाँ पे समीर को नॉक एंड फिनिश करते हुए और यहाँ पे DX की टीम यहाँ पे मुझे लगता है फिनिश हो सकती है
जी नहीं, डीएक्स की टीम यहाँ पे सर्वाइव कर गई और यहाँ पे ईगल स्ट्रेंजर यहाँ पे थर्ड पार्टी करेंगे और यहाँ पे किल चुराते हुए यहाँ पे स्ट्रेंजर निको नॉक एंड फिनिश करते हुए। अब 2v3 की सिचुएशन लग रही है मुझे। जी हाँ दोस्तों, 2-2 और 1 की सिचुएशन है यहाँ पे। क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा ये मैच? टीजी हंटर यहाँ पे टीपी पिला रहे जोन की तरफ है। दोनों टीम सभी जोन के बाहर है। अच्छी पोजीशन यहाँ पे होल्ड करते हो टीजी की टीम्स। ईगल और टीम डीएक्स दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल ही रहने वाली है। हाँ यार, क्या नेट चल रहा है यहाँ पे। लूट कर रहे है टीम डीएक्स की टीम, यहाँ पे हीलिंग कर रही है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लोडिंग ही ले कर रहा है यार। अरे यार, दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा दोस्तों कुल मिलाकर हमको बाहर फेंक दिया गया है। हम ट्राई कर रहे हैं वापस से अंदर जाने के लिए। क्या लगता है जा पाएंगे? लास्ट की फाइट थी यार, ये तो मिस नहीं करनी थी। प्लीज यार, मैच पते ना तो सही है यार, मैच वहीं से आ जाए यार। दोस्तों क्या लगता है, मैच वहीं से स्टार्ट हो सकता है? कहाँ समय पर ऐसा कोई बटन होता कि हम वहीं पर ही रोक देते पूरी मैच और वहीं से स्टार्ट होती। कोई नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे कि वो फाइट कवर हो जाए लास्ट वाली। 2-2 और 1 की सिचुएशन थी। और दोस्तों हम कहाँ पहुँच गए हैं? अरे यार, कतई ग्लिच होता हुआ हमारा मैप, लगता नहीं दोस्तों हम कुछ कर पाएंगे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मैच एंड होते हुए और हमको लॉबी में भेज दिया गया है। ओके, दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे मैच से बाहर फेंक दिया गया है और मैं कुछ कर नहीं सका। चलो दोस्तों कुछ नहीं, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के साथ वापस। और तब तक के लिए बाय।